आई एम श्योर कि आप लोग भी जो है वर्डप्रेस पे काम कर चुके होंगे या वर्डप्रेस के बारे में आपने बहुत जानकारी ली होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्डप्रेस जो है वो बेटर क्यों है अदर सीएमएस से? व्हाई वर्डप्रेस इज बेटर देन दी अदर सीएमएस? अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को नहीं पता है अबाउट दी वर्डप्रेस। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। अब यहाँ पे जो है वर्डप्रेस की बात करें, अदर जो सीएमएस की बात करें लाइक मैजेंटो हो गया है, फिर आपका प्रेस्टा शॉप हो गया या ओपन कार्ट हो गया, इन सभी से या ऐसे कई सारे और भी हैं, उनसे भी जो है वर्डप्रेस आपका काफी बेटर है। अब बेटर के पीछे अगर रीजंस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री प्लगइन्स मिल जाते हैं, फिर आपको जो है बहुत सारे इसके अंदर फ्री थीम्स मिल जाती है जो हम यूज कर सकते हैं, एंड ऐसे कई सारे फीचर्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पांच ऐसे मेजर रीजंस बताने वाला हूं जो डिफाइन करते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो अदर आपके जो सीएमएस हैं उनसे बेटर है। तो पहले की अगर बात करें तो वो है आपका एसईओ फ्रेंडली, यानी कि एसईओ फ्रेंडली कहने का मतलब है यानी कि यहां पर आप बहुत आसानी से आप अपने वेबसाइट के पेज को या फिर जो आपके ब्लॉग्स वगैरह हैं उनको गूगल के सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए एसईओ का जो परफॉर्मेंस है वो कर सकते हैं, चाहे फिर आपका ऑन पेज करना हो। तो ऑन पेज के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही अमेजिंग है, और साथ ही साथ टेक्निकल एसईओ की बात करें तो टेक्निकल एसईओ में भी जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम प्लगइन्स की बात करें तो यूज्ड आपको मिल जाता है, यूज्ड एसईओ मिल जाता है, फिर उसके साथ में आपको रैंक मैथ एंड बहुत सारे अदर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिनमें फ्री वाले में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को जो है वो रैंक करवा सकते हो। दूसरे अगर बेनिफिट की बात करें, यहाँ पे बेटर की बात करें तो डेफिनेटली वो है आपका डिजाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। डिजाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी की कहने की बात है तो यहां पर आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ जो है आपको फ्री आपको थीम्स मिल जाती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप जैसा खुद डिजाइन चाहते हो वैसा आप डिजाइन खुद भी रेडी कर सकते हो लाइक प्लगइन लाइक मेंटोर। तो लाइक ऐसे प्लगइन्स कई सारे हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से जो है आप जैसी आपको वेबसाइट चाहिए है वैसी आप डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए गए। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर जो है वो आपका वर्डप्रेस को दूसरे आपके जो सीएमएस हैं उनसे बेटर बनाता है। तीसरे की बात करें यहाँ पे इनबिल्ट ब्लॉग, सो यहां पर आपको बता दूं कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो वर्डप्रेस जिस वक्त लॉन्च किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो है यहां पर इसको जो है वेब डेवलपमेंट के लिए भी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए भी जो है इसके अंदर फीचर इंटीग्रेट कर दिए गए। और इसीलिए आप लोग अगर आप देखें जब भी हम बाय डिफॉल्ट कोई वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमें दोनों तरह का जो है इंटरफेस वहां पे फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हम पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम सेटिंग्स के अंदर रीडिंग के अंदर जाते हैं तो वहां पे जो है आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप होम पेज ब्लॉग को सेट करना चाहते हैं या फिर आपका कोई कस्टमाइज्ड जो आपका वर्क पेज है उसको आप जो है एज अ होम पेज सेट करना चाहते हैं। तो ये जो है बहुत लोगों को नहीं पता है। सो बेसिकली इसके अंदर जो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वेबसाइट के साथ साथ में ब्लॉग का भी जो है सेटअप साथ में कर सकते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यहां पे आपको बता दूं कि कोई भी गूगल का जो एनालिटिक है या गूगल का जो एल्गोरिदम आई वुड से वो जो है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है वो टॉप के ऊपर में रैंक नहीं कराता है। तो वहां पे जो रैंक होते हैं वो होते हैं हमेशा ब्लॉग, यानी कि जो कंटेंट है कंटेंट के बेसिस के ऊपर ही आप जो है अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। इसीलिए हर वेबसाइट के साथ में आपको जो है ब्लॉग डिजाइन करना ब्लॉग कंटेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा अगर हम यहां पे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की वो है सोशल मीडिया फ्लेक्सिबिलिटी। सो बेसिकली सोशल मीडिया फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हर लोग जो है हर चाहे छोटी से छोटी कंपनी है या पर्सनल कोई पर्सन है या फिर बड़े से बड़ा ब्रांड है हर कोई अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स को बहुत ही इजीली इंटीग्रेट करना चाहता है हर अपने बिजनेस के प्रोफाइल्स में। और ऐसे में अगर वेबसाइट जो कि एक डिजिटल आइडेंटिटी है तो वहां पे अपने सोशल मीडिया को इंटीग्रेट ना करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर बहुत ही आसानी से सीमलेसली बहुत इजीली
हर ब्रांड जो है अपनी किसी भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, बहुत आसानी से जो है इसके साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और कई सारे आपको यहाँ पे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है आप और बेहतर तरीके से अपने सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन जो है वो वर्डप्रेस के साथ में कर सकते हैं, और जिसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक अगर आपका कोई पोस्ट आपके सोशल मीडिया पे है, वो डायरेक्टली लेटेस्ट पोस्ट आपको यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए, इस तरह के भी प्लगइन आपको प्रीमियम के अंदर मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो है एक बेहतरीन इंटीग्रेशन सोशल मीडिया का जो है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ में किया जा सकता है। पांचवा जो है वो यहाँ पे अगर बात करें वो है आपका ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। आई एम श्योर कि हर कोई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रॉप शिपिंग वाले कॉन्सेप्ट हो गए, या फिर आपके एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, या फिर डायरेक्ट जो सेलिंग के प्रोडक्ट हैं या सर्विस है उनको जो है यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें चाहिए होता है यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स। तो वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन आपको इजीली मिल जाता है और फ्री में अवेलेबल है, और कुछ चीजें आपको पेड में भी मिल जाती हैं, लेकिन फ्री में भी आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं जिसका इंटीग्रेशन करके आप वर्डप्रेस को जो है एज अ ई कॉमर्स के तरह अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, एंड दैट टू विद इन फ्यू क्लिक्स के अंदर ही। यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही कम क्लिक के साथ में, बहुत ही कम काम के साथ में आप एक बहुत अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो खुद की, अपने क्लाइंट की जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो ये पांच ऐसे मेजर फीचर्स हैं जो आपके वर्डप्रेस को अदर जो सीएमएस आपके प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनसे जो है बेटर बनाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करे हैं, जो आप वर्डप्रेस को जो है दूसरे सीएमएस से और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, लेकिन मेजर जो है वो हमने यहाँ पे वीडियो के अंदर कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसी तरह के और वीडियो जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ में। उसके लिए सिंपली आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं, तो जरूर मुझे जो है आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है लिख के दे दीजिए, आपका टॉपिक बता दीजिए, उसके ऊपर जो है आपको वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होकर मिल जाएगी। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।